हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुना दद्दे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने शेयर किए थे सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है स्किन केयर में, वो है स्किन को मॉइस्चर रखना। सिर्फ स्किन को मॉइस्चर रखे आप कैसे स्किन को हेल्दी रख सकते हो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने भी वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो। सच में वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो सच में बहुत रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने स्किन केयर उतनी तरीके से नहीं कर सकते हैं। बस उन लोगों के लिए मैंने बनाए हैं कैसे बहुत कुछ कम प्रोडक्ट के साथ आप अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हो। तो बस आज का वीडियो वो उस टॉपिक पे नहीं है। आज मैं एक छोटू सा पैक शेयर करने जा रही हूँ। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप एक मॉम है, मदर है, तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो आज जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो पैक शेयर करने जा रही हूँ, आप नहीं बोल सकते हो कि आप वो पैक यूज़ नहीं कर सकते हो। आपके पास बेसिकली टाइम नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते हो। क्योंकि अभी समर सीज़न स्टार्ट हो गई है, समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है, इसीलिए मैंने पहले मॉम को जिक्र किया। अभी बच्चों का छुट्टी पड़ गई है। देखो, बच्चों के स्कूल की छुट्टी जब भी मिलती है, हम लोगों को भी छुट्टी मिलती है, थोड़ा बहुत तो भागा दौड़ी थोड़ा तो कम हो ही जाता है। तो आप बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते हो कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो जल्द जल्दी टाइम निकालो और ये पैक आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पैक यूज़ करो जल्दी से। जो मैं पैक शेयर करने जा रही हूँ उसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट लगेगा और वो भी आपके घरों में ज़रूर होंगे। पहला है मसूर दाल, सेकेंड है ऑरेंज पील पाउडर। जो मैं तो ऑरेंज पील पाउडर घर पर बनाती हूँ, ठंड के मौसम में बहुत मैं संतरे खाती हूँ, उसको उसके छिलके को धूप में सुखा के वो पाउडर बना के रखती हूँ। इसलिए मैं जब भी वो शेयर करती हूँ तब भी आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ बहुत बार कि आप भी ऐसा करो ताकि आप मार्केट से ना खरीद सकते हो, ना खरीद कीने की ज़रूरी हो। तो इसीलिए जिन लोगों के पास घर में ऑरेंज पील पाउडर नहीं है वो बाजारी वाला भी यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में जो इन्ग्रीडियंट मैंने लिया है वो है हनी। तो हनी तो सबके पास तो होगा ही होगा। तो पहले मैं बात करूँगी मसूर दाल। आप मसूर दाल क्यों यूज़ करोगे? तो मसूर दाल एक बहुत ही अच्छी क्लींजर है। आप अगर सिर्फ मसूर दाल और मसूर दाल अगर बेसन के साथ डेली बेस पे यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोई भी क्लींजर की ज़रूरत नहीं है, मार्केट वाला क्लींजर की ज़रूरत नहीं है, फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डेली बेसन और मसूर दाल लो और अपने फेस को देखना कितने अच्छे तरीके से वो एक्सफोलिएट करता है, कितना अच्छे तरीके से डर्ट ये सब को खींच के बाहर ले आता है। तो इतना ताकत है मसूर दाल के अंदर। और उसके साथ साथ मसूर दाल यूज़ करने से आपके पोर्स में जो क्लॉग पोर्स होता है वो भी नहीं होने देता है, पोर्स एकदम ओपन रहता है, अंदर से डार्ट को निकल के एकदम खींच के बाहर ले आती है, इसीलिए आपकी स्किन में पिंपल भी बहुत कम होती है। और उसके साथ साथ मसूर दाल अगर आप डेली यूज़ करोगे तो आपके स्किन कलर में भी चेंजेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन कलर चेंज हो जाएगा, आपके जो एक दबे हुए स्किन कलर है, जो आपका बर्थ कलर है, वो बाहर आएगा। तो आप अगर डेली मसूर दाल यूज़ करोगे तो ऐसी बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेगा मसूर दाल यूज़ करने से। स्किन है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर भी स्किन को ब्राइटनिंग करने में हेल्प करता है अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो। और अगर आप कभी कभी जैसे हफ्ते में 2-3 बार कुछ ना कुछ पैक के साथ यूज़ करते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑरेंज पील पाउडर के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है जो कोई भी एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट ये सब को दूर करने में हेल्प करता है। तो ऑरेंज पील पाउडर बहुत ही अच्छे हैं हमारी स्किन में, क्योंकि जितना संतरों के जूसों में विटामिन सी होती है उसे ज़्यादा उसके पील के अंदर होती है। तो अगर आप ऑरेंज पील पाउडर डेली बेस पे यूज़ करते हो और या फिर कुछ ना कुछ पैक के अंदर आप अपने स्किन में देते हो तो विटामिन सी भी आपकी स्किन में जाएगा, उसके साथ साथ ये सारे बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और लास्ट में है हनी। हनी तो हमारी स्किन के लिए अच्छा है ही, हमारी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चर रखती है, उसके साथ साथ दाग धब्बे को भी हटाने में हेल्प करता है। अगर आपके कोई फेस पे इरिटेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो तो उसमें भी हनी हमारे स्किन में हेल्प करता है। तो अभी वो पैक फटाफट बना लेते हैं। सो इस पैक के लिए मैंने 1 चम्मच मसूर दाल घर भिगोए थे, उसके बाद वो पीस लिए थे 1 चम्मच मसूर दाल, उसके साथ मैंने 1 चम्मच ये ऑरेंज पील पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंने जैसे मैंने बोला है ये मैंने घर पे बनाया है। और 1/2 चम्मच मैं हनी ऐड करूँगी। बस तीनों को मिक्स करने के बाद अपने फेस पर लगाऊँगी। उसके अभी मैं पानी नहीं दूँगी। जैसे मैंने जो इन्ग्रीडियंट डाला है उसको मिक्स करने के बाद ऐसे थोड़ा सा स्क्रबिंग जैसा कर लूँगी फेस पर, स्क्रबिंग भी हो जाएगा
और ये लग भी जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा स्क्रबिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करूँगी ताकि मेरे फेस पे आसानी से लग जाए। आप भी ऐसा ही करना। तो उसके बाद मैंने पूरे फेस पे लगा दिया। उसके बाद 15 से 20 मिनट उसको रखो, फिर वॉश कर लो। आप देखो वो पैक बनाना बहुत ही इजी है, उसके साथ साथ फ़ायदेमंद भी तो है, फ़ायदेमंद तो मतलब भी है। तो अभी मैंने वो बस पैक लगाए थे, अभी बस मैंने उसको वॉश आउट करके बस सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है। आप कोई भी पैक लगाओ उसके बाद तुरंत उसको धो देने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, मतलब स्किन में ऐसा नहीं है कि पैक लगाया है और काम आपका हो गया है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन को मॉइस्चर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लो। मैंने सिर्फ अभी मॉइस्चराइजर लगाए हैं, आप फील तो नहीं, आप समझ सकते हो कि अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो समझ सकते हो मैंने कोई भी मेकअप ये सब यूज़ नहीं किया है। आप फिर भी देखो मेरी स्किन ग्लो कर रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर हमारे स्किन को ब्राइटनिंग और ग्लोइंग करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर आपको एक हेल्दी स्किन और ग्लोई सा स्किन चाहिए तो ये पैक आपको ज़रूर यूज़ करनी है। ओके, तो बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आज के वीडियो को देख के आप कुछ ना कुछ सीखे हो, मैं कुछ बता पाई हूँ जो आपको नहीं पता होगा। तो बस फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय। और उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग गया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर देना ताकि मैं आगे से कोई भी वीडियो डालूं आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आप चाहते हो मुझे और भी साइट पे फॉलो करना तो भी आप चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो मुझे कर सकते हो, सुनंदा 92D मेरा आईडी है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय।